बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टेक्निकल ख्वाजा यूट्यूब चैनल पर एक मरतबा फिर खुश आमदीद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि बाहर से मंगवाए गए किसी भी मोबाइल फ़ोन का पाकिस्तान के अंदर आपको FBR का टैक्स पे ना करना पड़े, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक आजमूदा ट्रिक बताने लगा हूँ। ये ट्रिक मैंने तो प्रैक्टिकली इस्तेमाल करके देख लिया और मेरे पास मोबाइल फ़ोन जो है बिना टैक्स पे किए काफ़ी अरसे से चल रहे हैं और बंद नहीं हुए, उनका टैक्स भी पे नहीं हुआ। तो आपको ट्रिक बताऊंगा आज की वीडियो के अंदर, आप भी इस ट्रिक पे अमल कीजिएगा और वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ट्रिक कैसा लगा और क्या आपका मोबाइल बिना टैक्स पे किए चल रहा है पाकिस्तान में। आप ट्रिक समझ लें, ट्रिक क्या है दोस्तों, करना क्या है आपने। आप दुनिया भर में किसी भी कंट्री में रह रहे हैं और आपने पाकिस्तान में मोबाइल लाना है, तो करना क्या है आपने पाकिस्तान के अंदर मोबाइल लाने से पहले, आप USA के अंदर रहते हैं या सऊदी में रहते हैं या यूरोप में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, आपने उस मोबाइल के साथ करना क्या है, आपने उस मोबाइल के अंदर कोई भी पाकिस्तानी सिम डालनी है, उस सिम के ऊपर आपने इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिव करवा लेनी है। वो सिम आपने उस मोबाइल की, चाहे वो सिम स्लॉट 1 में डाल दें चाहे सिम स्लॉट 2 में डाल दें, आपने वो सिम डालनी है और उसके सिग्नल वहाँ पे कैच करवाने हैं। बेशक आप उसको इस्तेमाल करें या ना करें, लेकिन उस मोबाइल के अंदर आपकी सिम जो है उसके सिग्नल आते रहे। उसके बाद आपने उस मोबाइल को कुछ अरसे तक इस्तेमाल करते रहना है वहीं पे ही। उसके बाद जब आप पाकिस्तान आएंगे तो पाकिस्तान आने के बाद आपने वो सिम उस स्लॉट से नहीं निकालनी। अगर तो आपने वो सिम स्लॉट 1 में डाली थी या 2 में डाली थी, आपने वो सिम बाहर नहीं निकालनी और आपने अपने मोबाइल के अंदर कोई दूसरी सिम भी नहीं डालनी। आपने सिंपली पाकिस्तान में आके उस सिम की रोमिंग ख़त्म करा देनी है और आप उस सिम को उस मोबाइल के अंदर जितना अरसा मर्जी चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको मोबाइल का टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा और आपका मोबाइल ब्लॉक भी नहीं होगा। आप पाकिस्तान के अंदर उसको 6 महीने इस्तेमाल करें, 8 महीने करें, साल करें, उसके बाद दोबारा आप ले जाएं उसको जिस भी कंट्री में आप रहते हैं वहाँ ले जाएं, दोबारा फिर पाकिस्तान में लेके आए, तो आपको उसका टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा और आपका मोबाइल भी ब्लॉक नहीं होगा। तो दोस्तों, ये तो था मेरे पास ट्रिक आजमूदा, जिसके ऊपर मैं अमल करके काफ़ी सारे मोबाइल फ़ोन जो है वो चला रहा हूँ। तो दोस्तों, आप भी इस ट्रिक पर अमल करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। तब तक मुझे इजाज़त, आप लोगों की तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।